जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य मुनि शेख स्वाट प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य मुनि शेख स्वाट विराट सागर जी महाराज की जय। जय जय न्यायो पात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस त्रिवर्गम भजन नन्यो ज्ञान गुणम तदरह गहनी स्थानालयो ह्रीमह युक्ता हार बिहार आर्य शमिति प्राज्ञः कृतज्ञो वशी श्रृणवन धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चले। गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाने वाले सूत्रों की चर्चा विगत अनेक दिनों से चल रही है और अब हम उसके अंतिम पायदान की ओर आ गए हैं और उसमें एक बहुत ही प्रेरणादायक गुण है, वह है श्रृणवन धर्म कथा। एक सदगृहस्थ है जो धर्म कथा को सुनने में हमेशा तत्पर रहता है। हमारे पास कान है, हम बहुत सारी बातें सुनते हैं और जो बातें हम सुनते हैं उनका हमारे चित्त पर असर पड़ता है, वो हमारे चित्त में प्रभाव डालता है, उससे हमारा चिंतन प्रभावित होता है और उससे हमारी चर्या बदलती है और हमारा चरित्र बन जाता है। यहां कह रहे सुनो तो क्या सुनो, वही सुनो जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बना सके। ऐसी बातों को मत सुनो जिससे तुम्हारे चित्त में कुसंस्कार उत्पन्न होते हो, जिससे तुम्हारा चित्त अशांत उद्विग्न होता हो। ऐसी बातों को सुनने से बचो और ऐसी बातों को सुनो जिससे तुम्हारे हृदय में प्रफुल्लता उत्पन्न हो जाए और जो तुम्हारे चित्त को परिवर्तित करके जीवन को रूपांतरित कर दे। कथा सुनो, पर कौन सी कथा सुनो? धर्म कथा। हमारे यहां धर्म कथा को सत कथा कहा गया और दूसरे प्रकार की कथाओं को भी कथा कहा गया। ऐसी कथा जो हमारे जीवन को बिगाड़ दे, जो हमारे विपत्ति में डाल दे, जो हमारे अंदर विकृतियां भर दे या जिनके कारण हमारे अंदर की बेचैनी बढ़े, वो है भी कथा। और जिसकी वजह से हमारे अंदर सात्विकता उमड़े, हमारा चरित्र निर्मल हो, हमारे विचार पवित्र हो, हमारे भाव शुद्ध हो, उसका नाम है सत्कथा। सत्कथा धर्म कथा है और भी कथा संसार को बढ़ाने वाली है। कहते धर्म कथा में रुचि लो, धर्म कथा में रस लो, धर्मामृत का पान करो, कथाओं से अपने आप को बचाओ। क्यों? थोड़ी देर के लिए हम इसकी पड़ताल करें। आप अपने जीवन के अनुभवों को टटोल कर देखिए, कोई बात आप सुनते हैं या देखते हैं तो आपके चित्त पर उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। कितनी देर? काफी देर तक पड़ता है। जो बात हम जितनी गहराई से सुनते हैं उसमें उतनी देर तक हमारे ऊपर असर रहता है। फिर किसी बात को बार बार सुनते रहे तो महाराज वो हमारी विचारधारा बन जाता है। फिर जैसी हमारी विचारधारा होती है वैसी हमारी प्रवृत्ति हो जाती है और जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा जीवन बन जाता है। कुल मिलाकर के बातों का हमारे चित्त से बहुत गहरा संबंध है। तो कहते भैया चित्त को निर्मल बनाना चाहते हो तो ऐसी बातों का श्रवण करो जिससे तुम्हारे चित्त में निर्मलता आए और ऐसी बातों से बचो जो तुम्हारे चित्त को मलिन करते हो।
तो उन सब बातों से बचो। हमारे यहां धर्म कथा को आलंबनी कहा और चित्त को मलिन करने वाली सारी कथाओं को बिकथा, और उनको कहने का नाम बिकथा और उनको सुनने का नाम दुश्रुति कहा। बिकथाओं और दुश्रुतियों से बचो, सत कथा का श्रवण करो। और आप सबके लिए एक शब्द आया है श्रावक। श्रावक मतलब सुनने वाला, जिसके भीतर श्रवण रुचि हो। किसको सुनने वाला? सत कथा को सुनने वाला, जिसके हृदय में सत कथा की प्रबल पिपासा हो, वो श्रावक है। असत कथा मत सुनो। तो पुराने जमाने में तो कथा के लिए केवल श्रव्य माध्यम था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के कारण अनेक प्रकार के दृश्य माध्यम भी हमारे सामने आ गए हैं, तरह तरह के कार्यक्रम, उससे क्या परोसा जाता है। बिकथा, चार प्रकार की बिकथाएं बताई है, स्त्री कथा, राज कथा, चौर कथा और भक्त कथा। और कहा इनसे बचो, इसमें अपना समय व्यर्थ मत करो। ये प्रतीकात्मक है, इसे समझना। इनके अंतर्गत सारी दुनियावी चर्चा आ जाती। स्त्री कथा का मतलब ऐसी कथा जो तुम्हारे लिए यौन विकार उत्पन्न करती है। दृश्य या श्रव्य कोई भी माध्यम हो, जिसमें अश्लीलता हो, उत्तेजना हो, कामुकता हो और विकृतियां हो, ऐसे कथाओं से और दृश्यों से परहेज करो, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। आजकल ये सब चीजें आम होते जा रही है। इतने गंदे गंदे साइट्स हैं, लोग बोलते हैं महाराज जिसका नाम लेना भी पाप है, लोग ऐसे दृश्यों को देखते हैं। कल एक लड़की का शंका समाधान में प्रश्न आया था कि हमारे साथ बहुत सारी सहेलियां हैं जो हमसे दोस्ती रखना चाहती है, पर वो पोर्नोग्राफी की एडिक्ट हैं और हमें भी देखने के लिए प्रेरित करती, मैं क्या करूं। लड़के हो या लड़कियां, स्त्री हो या पुरुष, जो इस तरह के गंदे दृश्यों को देखते हैं, जिनके अंदर ऐसे दृश्य देखने की प्रवृत्ति है, वे इन दृश्यों के प्रभाव से अति कामुक बनकर अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। चित्त पर वैसा प्रभाव पड़ेगा, उनसे अपने आप को बचाइए। ये पाप बंध के कारण तो है ही, जीवन की बर्बादी का कारण है, बचना चाहिए। आजकल आपको टीवी में भी जो कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, उसमें भी अश्लीलता का चरम रूप देखने को मिलता है। आखिर उसे देखकर आप पाएंगे क्या? उसे सुनकर आप पाएंगे क्या? अभी एक घटना, बड़ी खौफनाक घटना प्रकाश में आई। 12 साल का लड़का और 10 साल की उसकी बहन, दोनों मोबाइल पर पोर्न वीडियो देख रहे थे और देख करके दोनों उत्तेजित हो गए और भाई ने बहन के साथ वह सब प्रयोग कर लिया जो वो देख रहा था। ये मन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी कुकथाओं को, ऐसी विकृत बातों को सुनने और देखने से परहेज करो। बिकथा बड़ी बुरी हालत है। पुराने जमाने में हमारे पतन की के निमित्त कम थे, आज कदम कदम पर पतन के निमित्त आ रहे हैं। हर पल में हमारे लिए खतरा है,
और सारी व्यवस्थाएं अब आपके पास है। अब आपके पास क्या, अब आपकी जेब में। अरे व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी सी अनियंत्रित होती है, सारा खेल खराब होता है। ये विकथा है, स्त्री कथा, जो तुम्हारे अंदर अश्लीलता, उत्तेजना, कामुकता और विकृतियों को भरे, ऐसी कथा से अपने आप को बचाओ। अन्यथा जब यौन विकार उद्दीप्त होंगे तो तुम्हारा होश हवास सब खराब हो जाएगा, फिर तुम अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते। तो पहला काम, विकथा, स्त्री कथा से बचो। दूसरे क्रम में है राज कथा, राजनीति की चर्चा। बड़े रस ले लेकर के आप लोग सुनते हैं, कोई परिणाम मिलता है? और आजकल तो ये मीडिया वाले लोग बोलते हैं, महाराज पहले तो केवल न्यूज तक सीमित रहते थे, अब तो डिबेट्स आते हैं और कोई भी मुद्दा है उसमें फालतू बहस। और क्या करते होंगे डिबेट वाले, चिल्लाते होंगे और क्या करते होंगे। और आप लोग बेवकूफ बनते, अपना समय खराब करते हो, उससे चिपक करके बैठते हो जैसे कोई बहुत काम की बातें। एक सज्जन ने मुझे बताया, बड़े उद्यमी हैं, उनने कहा महाराज मैं न्यूज चैनल्स को भी आजकल नहीं खोलता, मैं तो जो भी न्यूज जानना होता अखबार के माध्यम से देखता हूं और बाकी नहीं देखता। बोले क्यों? बोले उसको खोलने के बाद घंटों खराब होते हैं, घंटों खराब होते। एक बार देखते जाओ तरह तरह के डिबेट्स आते हैं और अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते, हमारा समय व्यर्थ जाता है। हमें देश दुनिया के बारे में जितनी आवश्यक जानकारी है हम अखबार के माध्यम से देखते हैं तो 15 से 20 मिनट में हमें उसकी पूर्ति हो जाती है, और जब टीवी खोल करके बैठते हैं तो कितने घंटे जाते कोई पता ही नहीं। आप लोगों का भी ऐसा ही अनुभव होगा, है ना? बोलो क्या मिलता है? समय की बर्बादी, संस्कारों की क्षति, दोनों नुकसान है कि नहीं? क्या पा रहे हो? और ये मीडिया वाले तो सब बातों में जायका लगाते, अच्छी छोंक लगा के परोसते हैं आप लोगों को, सस्पेंस पैदा करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं और आप चिपक जाते हैं। सड़ी सी बात को लेकर की भी ऐसी गड़बड़। और भारतीय मीडिया की बात देखो, एक प्रिंस नाम का लड़का 60 फीट नीचे गड्ढे में गिरा और देश का, भारत का मीडिया पूरे देश को 2 दिन तक गड्ढे में रखा, है ना ये हाल? बिना मतलब की बातों में जी उलझाने की प्रवृत्ति बिकता है। राजनीति से आपका संबंध है तो राजकाज की व्यवस्थाओं की एक सामान्य जानकारी रखने तक तो फिर भी मैं आपके लिए क्षम्य मानता हूं, पर बिना मतलब की बात, उसने उसको क्या कहा, उसने उसको क्या कहा, उसका क्या नतीजा निकला, क्या मतलब है? बोलो। और सबसे ज्यादा मजे की बात तो तब दिखती है जब चुनाव होता है। अभी प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं हुआ, लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं और आपस में बैठ करके जब बात करते हैं तो आपकी चर्चा रबर की तरह खींचती जाती है, सिमटती है। क्या ये वी कथा है या नहीं? व्यर्थ की कथा का नाम भी कथा है। हमारा समय बहुत कीमती है, जीवन बड़ा मूल्यवान है, अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करो और अपने समय शक्ति को उन्हीं कार्यों में लगाओ जिससे जीवन में पवित्रता आती हो। स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, चोरी चमारी की बातें, और भक्त कथा, भोजन आदि की ज्यादा चर्चाएं, इनसे बचिए। तो इनसे बचने के लिए क्या करना है? काम से काम कीजिए और बचे हुए समय में धर्म कथा कीजिए। एक धर्मी जीव की रुचि धर्म कथा के श्रवण और मनन की होती है। जहां कहीं भी धर्म कथा की बात आती है वो सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि उसकी रुचि है। और जिसकी जिसमें रुचि होती है वो उसके पीछे पागल होता है।
आपके मन में धर्म कथा की कितनी रुचि है बोलो, रुचि है कि नहीं? है। मान लो घर से चले आ रहे हो प्रवचन के मूड से, और रास्ते में कोई बोले, ईमानदारी से जवाब देना, बेईमानी से नहीं, प्रवचन सुनने के मूड से आप चले आ रहे हो और रास्ते में कोई कहे कि देखो टीवी में एक बहुत सुंदर प्रोग्राम आ रहा है और लाइव चल रहा है, दोबारा नहीं आएगा, देखो बड़ा मजा आ रहा है, क्या करोगे बोलो? क्या हो गया, सब यहां आएंगे? सच नहीं है, सच नहीं है, बहुत थोड़े आएंगे। दूसरे कहेंगे चलो महाराज का प्रवचन तो बाद में भी सुन लेंगे, कल भी सुन लेंगे, देख तो ले क्या बोल रहे, एक बार देखे तो। सच्ची अर्थों में जैसी अभिरुचि होनी चाहिए वैसी रुचि है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल करो। अगर जैसा कह रहे हैं यहां माताएं कि हम तो यहीं आएंगे, तो इसका मतलब वो सब पक्के हैं, रुचि है, वो रुचि बढ़नी चाहिए। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान है, क्यों? धर्म कथा के श्रवण से हमारी बुद्धि धर्म से जुड़ती है, और जिसकी बुद्धि धर्म में नियोजित हो जाती है उसका चित्त परिवर्तित हो जाता है, चिंतन बदल जाता है, और चित्त और चिंतन के परिवर्तन से समग्र जीवन ही बदलता है। चाहिए कि नहीं? आपके लिए आपका मन बड़ा बुझा हुआ हो और उस समय आपको कोई व्यक्ति अच्छी प्रेरणा दे, अच्छे से मोटिवेट करे, तो आपका मन शांत होता है कि नहीं? बुझे हुए मन में उत्साह जागृत होता है कि नहीं? होता है। और आपके मन में खूब उत्साह हो और कोई आदमी आपको हतोत्साहित करने वाली चार बातें कहे, तो आपका मन ठंडा होता है कि नहीं? इसका मतलब बातों का मन पर असर होता है कि नहीं? महाराज बातों का बहुत ज़्यादा असर होता है, और चीज़ों का असर हो या नहीं हो, बातों का तो बड़ा असर होता है। बातों का असर आप मत पूछो, 20 बरस पहले भी अगर किसी ने हमें 2 बातें सुनाई हो तो हम कभी भूल नहीं पाते, है ना? तो जब दुनियावी बातों का असर होता है तो धर्म की बातों का भी असर होता है, इसमें क्या संशय है? वशर्ते हम उसे ठीक रुचि से सुने। तो मोटिवेशन चाहिए मन को सतपथ पर चलने के लिए। बुराइयों के लिए मन हमारा सदा उत्साहित रहता है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार बुराइयों से भरे हैं, हमारा मन उधर भागता रहता है, लेकिन बुराई से मन को अच्छाई की ओर मोड़ना बड़ा दुर्लभ है, उसके लिए मन को मोटिवेट करना पड़ता है। और धर्मोपदेश एक प्रकार का मोटिवेशन है। आजकल तो बहुत सारे मोटिवेटर घूमते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं 5-स्टार होटलों में पैसा लेकर, यहां फ्री का मोटिवेशन मिलता उसका कोई मजा नहीं, क्या है? जीवन निर्माण की बातें सुनो, धर्म कथा के श्रवण में हमेशा उत्साह रहना चाहिए। 4 बातें आपसे कहूंगा, प्यास, प्रयास, अभ्यास और एहसास। प्यास, प्रयास, अभ्यास, एहसास। प्यास सबसे पहली बात, धर्म की प्यास। प्यास है या नहीं? कितनी प्यास है बोलो? एक सच्चे धर्मात्मा की प्यास बड़ी प्रबल होती है, उसकी पिपासा कभी शांत नहीं होती। जब कभी भी अवसर मिलता है धर्म की कथा को सुनने या बाँचने का, वो सबसे आगे रहता है। क्यों? क्योंकि इससे मुझे मार्ग मिलेगा, इससे मुझे दिशा मिलेगी, इससे मुझे दृष्टि मिलेगी, इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी, इससे मुझे पथ मिलेगा, इससे मेरी राह खुलेगी, ये दृष्टि उसके अंदर होती है।
अपने मन से पूछो, प्यास है या नहीं है। आप लोग रोज पूजन करते हैं ना, पूजन के बाद भगवान से कुछ प्रार्थना भी करते हैं, क्या करते हो? क्या प्रार्थना करते हो थोड़ा सुनूं? कोई प्रार्थना करते आप लोग की नहीं करते, बोलो क्या करते हो? नहीं, क्या करते थोड़ा बोलो तो, पूजा तो करते हो, बोलो पारस जी। फैल हो गए काम से। तुम जो पंक्तियां बोलते हो बोलो, मैं तुम चरण कमल डिगाऊ नहीं, नहीं गए सब फैल। इसलिए बोलता हूं, यंत्र बन करके पूजा मत करो, मंत्र मुग्ध होकर पूजा करो। आप पूजा में आखिरी में बोलते हैं, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सदवृत्तों का सुयस कह के, दोष ढाकू सभी का, बोलूं प्रारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलों सेवूं चरण जिनके, मोक्ष पर जो लो न पाऊं। हे जगबंधु जिनेश्वर तव चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मों का क्षय हो सदा सौख्यकारी, तव पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तोलो लीन रहे प्रभु, ज्योलो न मुक्ति पद पाया मैंने। यही है ना, अब याद आ गया? अब बताओ तुम जीवित प्रार्थना करते हो कि मृत, बोलो। तुम्हें यही बता दी हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ईमानदारी से बताऊं, तुम जितनी तल्लीनता से पूजा करते हो, शांति पाठ और विसर्जन में उतनी हड़बड़ी दिखाते हो, होता है ना? इसलिए स्टेशन कब निकल जाता तुम्हें पता ही नहीं, क्या लाभ मिलेगा। तो अब पूजा करो, तो इस प्रार्थना में पूरे प्राण लगा देना, क्योंकि पूरी पूजा का सार इसमें समाहित है। हृदय से प्रार्थना करना, अंतरात्मा की प्रार्थना होगी तो पूरा जीवन बदल जाएगा, समझ गए? अब रहा सवाल, आप बोलते हैं शास्त्राभ्यासो, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। सत्संगति का लाभ हो, शास्त्रों का पठन सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, ये प्रार्थना करते हो। और मंदिर में अगर कोई शास्त्र बांच रहा हो और तुम सीधे किनारे काट के निकल जाते हो, बोलो होता है? गुरुओं का प्रवचन हो तो अरे घड़ी देखो दुकान जाना है, तो तुमने भगवान से तो कहा भगवान संगति का लाभ मिले और शास्त्रों का पठन हो, और अब कह रहे देर हो रही। ये क्या है? अगर तुम्हारे हृदय में सच्ची प्यास होगी तो तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएगी। तुम कहोगे नहीं, मुझे पढ़ना है और खूब पढ़ना है, प्यास गहरी होनी चाहिए। देखो एक बात और बताता हूं, आपको प्यास लगती तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? पानी पीते हैं। पानी पीने से क्या होता है? प्यास शांत हो जाती है ना? पर इधर का खेल उल्टा, यहां कहते हैं प्यास बुझाओ मत, प्यास जगाओ। तुमने एक बार प्यास लगी, पानी पिया, थोड़े देर के लिए प्यास बुझ गई। धर्म के क्षेत्र में प्यास बुझनी नहीं चाहिए, प्यास जगनी चाहिए, प्यास जगनी चाहिए, अधिक से अधिक प्यास। एक जगह मेरा चातुर्मास था, प्रवास समाप्ति पर था, किसी ने कहा महाराज अभी प्यास बुझी नहीं।
हमने कहा भैया भूल में मत रहना, मैं तुम्हारी प्यास बुझाने आया ही नहीं था, मैं तो प्यास जगाने आया था, प्यास जग गई मेरा काम हो गया। प्यास जग जाएगी तो प्रयास तुम खुद ही करोगे। भिंडर वालों की प्यास कुछ जगी तो दिख रही है, अब ये देखते हैं कि कितनी प्यास जगी है, तो बाद में मालूम पड़ेगा जब हम यहां से निकल जाएंगे, फिर तुम्हारा प्रयास। पानी पीने से प्यास बुझती है और जिनवानी सुनने से प्यास बढ़ती है। आप सोचो रोज प्रवचन सुनने आते हो, अरे वही तो प्रवचन सुनाते हैं महाराज, क्या है, वही तो बात है। एक दिन सुन लिया काम खत्म, एक दिन शास्त्र पढ़ लिया काम खत्म। अगर एक दिन सुनने से तुम्हारा काम हो जाता तो अभी तक तो तुम्हारा बेड़ा ही पार हो जाता, एक दिन पढ़ने से तुम्हारा काम होता तो अभी तक तो उधार ही हो गया होता। नहीं, ये एक दिन से कुछ नहीं होने वाला, ये रोज रोज चाहिए, रोज रोज चाहिए। अगर नहीं हो पाए तो मन में बेचैनी, आज प्रवचन नहीं हुआ, जैसे कुछ खाली खाली सा है। इससे तुम्हारे लिए प्रेरणा मिलेगी, तुम्हारे मन की बैटरी चार्ज रहेगी, और मन की बैटरी चार्ज रहेगी तभी ढंग से जी पाओगे। तो ये पिपासा, प्यास उत्तरोत्तर गहरी से गहरी बनाओ, समझ गए? तो प्यास होना चाहिए। एक होटल में एक प्रोफेसर, अपने मनोविज्ञान का प्रोफेसर, अपने कुछ छात्रों के साथ गया, देखा कि सामने के टेबल पे तीन लोग बैठे थे, तीनों ने चाय मंगाई और एक ने चाय पी और कप को उल्टा कर दिया, दूसरे ने चाय पी और कप को सीधा कर दिया, तीसरे ने चाय पी और कप को आड़ा लेटा दिया। एक का कप उल्टा, एक का कप सीधा, और एक का कप सीधा, एक का उल्टा, एक का आड़ा। पीछे जो मनोविज्ञान के छात्र थे उनने अपने प्रोफेसर से पूछा कि सर ये तीनों लोगों ने चाय पी, बराबरी से चाय पी, पर कफ रखने की स्टाइल तीनों की अलग अलग, इनकी क्या मेंटेलिटी है, इनकी मानसिकता क्या है, बताएंगे? तो उन्होंने कहा देखो भाई बात ऐसी है कि जिनने कप सीधी रखी है वो इस बात का को दर्शा रहे हैं कि अभी इनको चाय से तृप्ति नहीं हुई और चाय चाहिए। जिनने उल्टा दिया यानी उनके लिए चाय पर्याप्त है, उलट के रख दिया। बोले ये तीसरा, बोले तीसरा बड़ा अलग है। बोले क्या है? बोले वो तो दोनों तरफ वाला के, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मिल जाए तो सीधी कर लो और ना मिले तो टेढ़ी। तुम कहाँ हो? तीसरे वाले हो, अब मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, इससे काम। अपनी कप को सदैव सीधी रखो ताकि उस पर तुम्हारे लिए आवश्यक तत्व मिल सके। उत्साह होना चाहिए। पाप के कप को उल्टा रखो और धर्म के कप को सीधा, जितना भरा जा सके भरो, रसपान करो फिर लगा दो और दो, मैं तृप्त नहीं हुआ। श्रवण रुचि श्रावक की एक विशेषता है, इसलिए उसे श्रावक कहा। तो जब तुम्हारे लिए प्यास होगी तो फिर प्रयास भी होगा। प्यास लगती है तो आदमी कुआं तक जाता है कि नहीं जाता है? कहीं से भी पानी चाहिए, जब तक पानी नहीं मिले तब तक बेचैनी। धर्म की प्यास होगी, जब तक उस प्यास की पूर्ति का निमित्त नहीं मिलेगा तुम्हारा मन भी बेचैन होगा। प्रयास करते रहो, तुम्हारे अंदर प्यास जगे और उस प्यास को बुझाने के लिए जो संभव उपाय वो करो। खूब सत्संग करो, खूब स्वाध्याय करो, ये प्रयास जारी रहेगा, जीवन में स्थायी परिवर्तन होगा। और प्रयास के बाद अभ्यास करो। कई बार लोग बोलते हैं महाराज रोज रोज प्रवचन सुनने की क्या जरूरत, एक दिन सुन लिया बहुत। और लोग सुनते हैं उसके बाद भी तो कुछ नहीं करते, वहीं के वहीं रह जाते हैं। बात जायज है,
रोज रोज प्रवचन सुनने से क्या फायदा, पहला सवाल तो ये। तो भैया आप रोज रोज भोजन क्यों करते हैं, बोलो, भोजन रोज करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। भोजन नहीं करो तो क्या होगा, क्या होगा? काम नहीं होगा, शरीर सुस्त हो जाएगा, है ना। तो बंधुओं, जैसे तन को तंदुरुस्त रखने के लिए आप रोज भोजन करते हैं, मन को स्वस्थ रखने के लिए रोज प्रवचन सुनिए, स्वाध्याय कीजिए। तन को पुष्ट करने के लिए जितना भोजन आवश्यक है, मन को पुष्ट करने के लिए स्वाध्याय और सत्संग उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है। क्यों? यदि तन को खुराक न मिले तो तन केवल सुस्त होगा। तन को खुराक न मिलने पर तन सुस्त होता है, और मन को खुराक न मिले तो मन भ्रष्ट होता है। सुस्त तन से उतना खतरा नहीं जितना कि भ्रष्ट मन से है, है ना। तो मन बड़ा खतरनाक है, पल में भ्रष्ट होता है, इसलिए उसको खुराक दो, सुबह से अच्छी खुराक, ताकि दिन भर तुम्हारी बैटरी चार्ज रहे, वो भ्रष्ट ना हो सके। बिगड़ते देर नहीं लगती। ऐसा नहीं है तुम्हारा मन कि एक बार जो गाइडलाइन दे दिया मान लिया, नहीं, वो तो लपकता है, बार 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 लपकता है। तो उसके लिए बार बार वैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वैसे दिशा दर्शन की आवश्यकता है, जिसके बदौलत उसमें परिवर्तन हो। इसलिए प्यास के बाद प्रयास नित्य जारी हो, और जो सुना है उसका अभ्यास करो, सत्संग करो, सुनो, प्यास आपके अंदर जगी, आपने प्रयास किया, आपने सुना, पर सुनने के बाद गुनो, गुनो जो हमने सुना। आप लोग सुबह से प्रवचन सुनने आते हो, रोज सुनते हो, शाम को शंका समाधान भी रुचि से सुनते हो, इसके बाद बताओ जितनी देर प्रवचन सुनते हो उतनी देर तो आप लोग मगन रहते हो, घर जाने के बाद कभी एक पल के लिए भी सोचते हो कि आज महाराज ने प्रवचन में क्या बातें कही, और उन बातों को हम अपने जीवन में किस भांति आत्मसात करें? कभी बोलो, कभी नहीं। वो तो महाराज अब ये सब बातें छोड़ो, आप तो आ गए हो और तो प्रवचन आप सुनाते हो, हम आते नहीं, हमें तो आना पड़ता है, ऐसा आते हो कि आना पड़ता है? हाँ आते हैं। किस लिए आते हो? तो सुनने के लिए क्यों आते हो महाराज? आप अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, कई बार मजाक भी करते रहते हो, मजाक मजाक में बहुत सारी बातें बता देते हो, बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए सुनने आते हो। किस लिए आते हो? आत्म कल्याण के लिए। तो सुनने से आत्मा का कल्याण हो गया तो अभी तक तो हो गया होता, कितने का हुआ, कब से सुन रहे हो? डेढ़ महीना तो मुझे हो गया, इससे पहले न जाने कितने महाराज तुम्हें सुना गए, सारे दिग्गज धुरंधर आचार्य तुम्हारे आ गए, बड़े बड़े मुनिराज तुम्हारे आ गए, सब सुना लिए, और सुनने से आत्म कल्याण होता है तो अभी तक सुन तो लिया, कल्याण कहाँ है? कहाँ है कल्याण? क्या मतलब निकला महाराज? हमने तो इतना ही समझ रखा है कि सुनने से कल्याण है, सो हम सुन लेते हैं। आपने एक घंटा सुनाया, हमारी कैपेसिटी तो आप देखते, भिंडर वाले को तो आप कभी देख लो, डेढ़ घंटा भी सुनाओगे तो सुनने को राजी। सुनने से कल्याण है, ये कंसेप्ट अधूरा है। सुन करके हमें कल्याण करना है, ये कंसेप्ट सच्चा है। जो हमने सुना है उसको हम कुछ अंशों में गुने, और सुन करके गुनना शुरू कर दे तो कल्याण पक्का है, उसमें कोई संशय नहीं। तो सुन करके गुने, कितना गुनते हैं? आपने कभी गुना? एक कोने में बैठ करके जो भी प्रवचन होता है, एक घंटे का प्रवचन है, और एक घंटे के प्रवचन में उसका निचोड़ देखे कि आखिर मुझे कहा क्या गया है और मुझे करना क्या है, ये निचोड़ देखे।
क्या कहा गया, मुझे क्या करना है, और जो करना है वो कर लूं, और तय करो नहीं। आज महाराज ने बताया, हमारी गलती का एहसास हमें कराया, अब हमें इस दिशा में कभी कोई बात हो तो ये करना है। तुम्हें शब्द भले याद ना हो, भाव तो पूरा याद रहता है, और उस भाव के अनुरूप निष्कर्ष निकाल करके यदि आप कुछ ग्रहण करोगे तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है, आएगा। अभ्यास कीजिए। और देखिए, सबसे पहली बात तो सुनने की है, सब सुनते हैं, सब पर एक सा असर नहीं पड़ता। आप मुनिराज के प्रवचन को प्रवचन मान करके सुनोगे, तुम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं दोहरा रहा हूं, प्रवचन का कोई असर नहीं है, तो महाराज सुनाते क्यों, है ना? प्रवचन का कोई असर नहीं। आप पूछते हो महाराज सुनाते क्यों, मैं प्रवचन सुनाता ही नहीं, मैं प्रवचन नहीं सुनाता, मेरे प्रवचन सुनने आना भी नहीं, मैं प्रवचन नहीं सुनाता। और तुमसे भी कहता हूं प्रवचन मत सुनना, प्रवचन सुनोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और गुरु के द्वारा दिए गए वचन को अपने लिए दिया जा रहा मार्गदर्शन मानोगे तुरंत कल्याण होगा। मैं आपको मार्गदर्शन देता हूं, और ये सोचो ये इंडिविजुअल गाइडलाइन है, मेरे लिए मार्गदर्शन है, इस समय मेरे गुरु मेरे हित के लिए मुझे हिदायतें दे रहे हैं। इस मानसिकता से सुनो, सीधे भेजा में घुसेगा। बोलो, आपको कोई व्यक्ति समझाता अकेले में बिठा के, तो आपके ऊपर उसका क्या इंप्रेशन पड़ता है, दिमाग में बात बैठ जाती कि नहीं, नहीं यही ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो कि नहीं करते हो। तो भाई इसी में थोड़ी सी मानसिकता बदलनी है, और कुछ नहीं करना है, प्रवचन सुनना है। तो आगे सुन लिए सूंघ भी लिए, सब तरह के कार्यक्रम बीच बीच में चल जाता है, अगर मौका मिला तो आजू बाजू में देख भी लिए। नहीं, मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, ये तो एक व्यवस्था है कि एक एक को कहां से गाइडलाइन दे, तो सब इकट्ठे बैठ जाओ, सामूहिक मार्गदर्शन ले लो, ये है प्रवचन, यानी जीवन का मार्गदर्शन, ये मार्गदर्शन है। महाराज हमारे लिए ये बात बोले, मुझे ये बात देखना वाकई में, महाराज ने बोला। और एक बात बताओ, जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसकी बात हमारे मन में बैठती कि नहीं बैठती, बैठती, हाँ इनकी बात तो सही है, यही सही है। तो बताओ, इतने दिन से बोल रहा हूं, मेरी बातें सही लगी कि नहीं? महाराज आप कहते तो सही है, लेकिन ये लेकिन क्या है? आप तो सही कहते, लेकिन ये लेकिन ही तुम्हारी पोल खोलता है। तो प्यास, प्रयास, अभ्यास, प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा थोड़ा। सही जो मैंने सुना है उसको आत्मसात करूंगा, उसके लिए थोड़ा ही सही अभ्यास करूंगा, कदम कदम करके मैं जब अभ्यास करके चलूंगा तो मेरा जीवन सुंदर बनेगा, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूंगा और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूंगा। एक एक करके आप हजार मील चल सकते हैं, एक कदम चलते चलते हजारों मील की चर्चा करने वाला एक कदम भी नहीं चल सकता। आप चलना तो शुरू करो, इतनी बातें बताई गई, हम थोड़ा तो करें। अब मैं धर्म का श्रवण करूंगा, और जो श्रवण किया है उसका कुछ मनन करूंगा, मनन करके निष्कर्ष और निचोड़ निकालूंगा और अपने जीवन को बदल दूंगा। इतना अभ्यास, तो महाराज इतनी इतनी बातें रोज रोज आप लोग बोलते हो, और उतना का अभ्यास करे तो कल ये किया आज ये किया आज ये किया, फिर कल ये करेंगे परसों ये करेंगे, आप तो रोज नया नया टॉपिक कर देते हैं, हम कितना करें? अरे भाई कितनी बातें करो, सार सबका एक है, सार को पाने का अभ्यास करो,
मेरे सारे प्रवचनों का सार केवल इतना है, जीवन के प्रति सकारात्मक बनो और सकारात्मकता के लिए अभ्यास करो। ये तो कर सकते हो, रोज प्रेरणा पाओ, रोज अभ्यास करो। देखो आज सुबह से शाम तक मैं कहां पटरी से उतरा, जहां पटरी से उतरा वहां अपनी निंदा गढ़ा करो, नहीं अब मुझे पटरी से नहीं उतरना, ये तो गलत ट्रैक पर गाड़ी जा रही है, मुझे वहां नहीं जाने देना है। देखो तुम्हारे जीवन में कैसा चमत्कार घटता है। और एक बात बोलूं, अभ्यास में वो ताकत है जिससे दुरूह काम भी सरल हो जाता है, जो दुस्साध्य है वो भी सहज हो जाता है, अगर आप अभ्यास जारी रखें तब। देखिए अभ्यास का चमत्कार क्या होता है। राजा रानी दोनों अपने राजमहल के झरोखे में बैठे थे, सामने एक बड़ा सा मैदान था, झरोखे के पास बैठे, मैदान में अचानक एक गाय अपने बछड़े के साथ घास चरती दिखाई पड़ी। राजा रानी के मध्य बातचीत चल रही थी कि दोनों में किसका बल ज्यादा है। रानी ने कहा कि स्वाभाविक तौर पर आपका बल अधिक होगा। तो राजा ने कहा मेरा बल तो अधिक है, पर तभी रानी ने कहा एक काम करते हैं, आज हम लोग दोनों एक दूसरे का बल मापते हैं और नीचे ये जो बछड़ा है इस बछड़े को ऊपर लेकर के आते हैं, देखते कौन कितना उठा सकता है। राजा ने कहा पहले रानी से जाओ तुम उठा के लाओ। रानी गई, प्यार से बछड़े को सहलाई, पुचकारी, अपने गोद में भरी, ऊपर तक ले आई, वापस नीचे पहुंचा दी। अब राजा की बारी थी। राजा को देखकर पहले तो बछड़ा बितका, फिर जैसे तैसे राजा ने बछड़ा को पकड़ा और पकड़ करके उठाया, थोड़ी ताकत लगी लेकिन ऊपर ले आया, दोनों का बल बराबर निकला। कोई 6 महीने बीते, एक दिन फिर राजा रानी उसी झरोखे के सामने बैठे थे और संयोगता वही गाय और वही बछड़ा फिर दिखाई पड़ा। रानी ने राजा से कहा कि महाराज 6 महीने पहले हम लोगों ने एक दूसरे का बल नापा था, हम दोनों का बल बराबर था, आज फिर से नाप लिया जाए। राजा ने कहा नाप लो, क्या करें। बोले वही बछड़ा, उसको उठा के लाते हैं। बोले ठीक है लाओ, तुम पहले लेके आओ। रानी गई, जैसे गई बछड़ा उससे लिपट गया, पल में अपने बाहों में भरी, उठाकर ऊपर ले आई। अब राजा की बारी थी। राजा नीचे उतरा, 6 महीने में बछड़ा हट्टा कट्ठा हो गया था, अब बछड़ा एकदम बिदका और राजा के पास बिदका। राजा ने जैसे तैसे उसको उठाने की कोशिश की तो जैसे ही उठाया उसकी कमर बैठ गई, भारी हो गया बछड़ा। राजा बड़ा शर्मिंदा भी हुआ, फिर कहा आखिर ये मेरा बल कमजोर हो गया, मैं कमजोर हो गया, राजा कमजोरी फील करने लगा। रानी ने कहा महाराज न तो आपका बल घटा है न मेरा बल बढ़ा है, दोनों का बल जैसा था वैसा है, क्योंकि हम दोनों को कोई शारीरिक बीमारी नहीं हुई, हमारे खान पान में भी कोई कमी नहीं, कोई परहेज नहीं, हम दोनों समान रहे, इसलिए हमारे आपके बल में कोई अंतर नहीं, फिर ये अंतर कैसे आ गया। तो रानी ने जो बात कही वो बात बहुत ध्यान देने योग्य है, महाराज बात बल का नहीं, बात बल की नहीं, बात अभ्यास की है, बात केवल इतनी सी है कि आपने 6 महीने पहले केवल एक दिन बछड़े को उठाया और मैं उस दिन से रोज बछड़े को उठाती हूँ और लाती हूँ, मेरा अभ्यास बन गया, मेरे लिए भार हल्का हो गया। आपका अभ्यास नहीं था इसलिए आप उठा नहीं सके। बस मैं तुमसे इतना ही कहता हूं, अभ्यास करो, भारी से भारी वजन उठाने में समर्थ हो जाओगे, नैया पार लग जाएगी। और अभ्यास नहीं तो मौका आने पर टे बोल जाओगे, है ना, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अभ्यास जारी होना चाहिए। तो प्यास, प्रयास, अभ्यास, तब एहसास, जो चाहिए उसका एहसास। आत्मा का एहसास करना चाहते हो, आत्मा के लिए प्यास जगाओ, आत्मा के हित की प्यास जगाओ। विषयों की प्यास तो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी है, उसके लिए तो तुम हमेशा लालायित और उत्कंठित रहते हो, कोई भी मौका आ जाए छोड़ना नहीं चाहते। और ये केवल इस जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतरों में तुमने वही किया।
विषयों के प्यास को पूरा करने के लिए तुमने अपना जीवन गंवाया। आज तक तुम्हारी प्यास बुझी क्या? कुछ पल के लिए बुझी पर बढ़ती गई, क्योंकि तृष्णा है ही ऐसी चीज जिसे जितना पूर्ण करने की कोशिश करे उतनी बढ़ती है। विषयों की प्यास तुम्हारी गहरी है, तुमने अब तक विषयों की प्यास जगाई और विषयों के प्यास के लिए उसकी पूर्ति के प्रयास किए। सारा अभ्यास विषयों के लिए है, इसलिए एहसास किसका है, सुख का कि दुख का? विषयों की प्यास, उसका उसकी पूर्ति का प्रयास, उसके लिए अभ्यास, एहसास किसका, सुख का कि दुख का? आ? बोलो जोर से, तुम लोगों की तो बोलती ही सी बंद हो गई। बोलो तो, किसका एहसास? हाँ, दुख का। दम से तो बोलो, मेवाड़ी हो। दुख का, अब तक का यही अनुभव है, यही एहसास है कि मेरे अब तक के जो भी प्रयास हैं, जो भी अभ्यास हैं, पंच इंद्री के विषयों के लिए हैं, क्योंकि उनकी ही प्यास मेरे अंदर रही। एहसास दुख है, व्यग्रता, व्याकुलता, बेचैनी, इसके अलावा? संत कहते से पलटो, आत्मा की प्यास जगाओ, उसके लिए प्रयास करो और आत्महित का अभ्यास करो, फिर जो तुम्हें एहसास होगा वो परमानंद का एहसास होगा, तृप्ति का एहसास होगा, सुख की अनुभूति होगी, वो एहसास तुम्हारे भीतर जगना चाहिए। आचार्य कुंद कहते हैं, शुद्ध परिचिदान भूदा सवस्व विकाम भोग बंद कहा ए अतसुलंभो नौरी न सुलहो बिहत्तस। तुम्हारे द्वारा काम भोग और बंद की कथाएं जन्म जन्मांतरों में सुनी गई, तुम्हारे परिचय में आई, तुमने उनका अनुभव किया, लेकिन आज तक तुम्हें सुखानुभूति नहीं हुई। यदि सुख का अनुभव करना है तो आत्मा की कथा कहो, आत्मा को कथा सुनो जिसको सुनने के बाद कुछ सुनना बाकी न रहे, आत्मा का परिचय पाओ जिसका परिचय पा लेने के बाद फिर और कोई परिचय बाकी न रहे, और आत्मा का अनुभवन करो जिसके अनुभव के बाद फिर कोई अनुभूति शेष न रहे, वो देखो, उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि जगनी चाहिए। तो कब जगेगी? जब धर्म कथा सुनोगे, पिपासु बनो। हमारे शास्त्रकारों ने धर्म कथा के श्रवण की महिमा बताते हुए कहा कि जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो धर्म कथा सुनते रहो। भव्य कौन है? सवाल उठा, भव्य किसको कहते हैं? बोलो, आपसे पूछेंगे भव्य किसको कहते हैं, भव्य जीव कौन है, तो क्या बताओगे? भव्य कौन है? भैया जी बता रहे हैं जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है वो भव्य है, पर मेरे भीतर मोक्ष जाने की योग्यता है कि नहीं है ये पता है? तुम भव्य हो या अभव्य कैसे जानोगे बोलो? तुम भव्य हो या अभव्य कैसे जानोगे? हमारा जानेंगे आनेंगे नहीं, हम तो मानेंगे कि हम भव्य हैं। मान लो, मानने से क्या होगा? भव्य नहीं, तुम अपने आप को भगवान मान लो। मानना ही है तो भव्य ही क्यों मानो, सिद्ध मान लो। मानना अलग बात, होना अलग बात है। यद्यपि भव्य और अभव्य की पहचान कोई दिव्य ज्ञानी ही कर सकता है, लेकिन एक आचार्य ने भव्य जीव की पहचान बताते हुए बड़ी मार्मिक बात कही है। उन्होंने लिखा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ताप ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिन। तत्व के प्रति प्रीति पूर्वक जो सुनता है, तत्व की बात को, धर्म की बात को रुचि और उत्साह के जो सुनता है, वो भावी निर्माण का भागी भव्य जीव है।
तो जब भी तत्व की बात हो रुचि से आके सुनो। महाराज आए उसके पहले अपनी जगह बनाओ। तुम लोग अलग अलग हो, कुछ लोग प्रवचन सुनने आते हैं, कुछ लोग प्रवचन सुनने आते हैं, कुछ लोग प्रवचन देखने आते हैं और कुछ लोग प्रवचन में दिखाने आते हैं। सुनने आने वाले समय से पूर्व आते हैं और देखने वाले, चलो देख रहे हैं कौन कौन आया है, चल रहा है प्रवचन आखिरी आखिरी तक। कुछ लोग तो जिनवानी स्तुति तक आते हैं और कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं कि हम आ रहे हैं। नहीं, श्रवण की रुचि जगाओ, सुनने का की प्यास, सुनने का प्रयास, सुनकर अभ्यास, तब तुम करोगे अपनी आत्मा का एहसास, ऐसा एहसास जिसके बाद फिर कुछ जरूरत ना हो। तुम्हारे मन में सच्चे सुख की आस हो तो तुम उसका प्रयास करो। अभी विषयों के सुख की आस है, इसलिए विषयों की प्यास है, विषयों का प्रयास है, विषयों का अभ्यास है, विषयों का एहसास है। जिस दिन आत्म सुख की आस जगेगी, उसकी प्यास प्रकट होगी, वो प्रयास करोगे, वो अभ्यास करोगे, तो तुम्हारे जीवन में आत्मा का एहसास होगा। वह एहसास प्रारंभ कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। शुभ भाव के साथ, समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोलिए परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की।